गुड इवनिंग फ्रेंड स्टडी अपाला इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी परवीन सिंह बुक सो इन लेसन नंबर एट फिजियोग्राफिक फीचर सो अकॉर्डिंग वी स्टडी हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ माउंटेन आर रिकोगनाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ओरिजन यानी कि टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है माउंटेन की ओरिजन कैसे हुए टेक्टोनिक माउंटेन एंड रिलेक्ट रेजिड्यूल यानि रेजिड्यूल होता है जो वेस्ट मटीरियल से बना है जो एक बार बन गया उसके बाद अगर आप जैसे नेचुरली uh, कहते हैं ना रीयूटिलाइज मटीरियल्स रेजिड टेक्टोनिक माउंटेन्स विच ऑफ दिजन टू सर्व सर्व इंटरनल फोर्स द ऑर्गेनिक फोर्सेस राइजिंग्स फ्रॉम्स विद द अर्थ यानी कि जो ओरोजेनिक अंदर से अर्थ में लग रहे हैं फोर्सेस और दीज माउंटेन्स आर द मोस्ट कॉमन इन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ एन वेरी कॉम्प्लीकेटेड इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इनके स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लीकेटेड हैं और रिलिक्ट रेजिडुअल माउंटेन्स विच हैव बीन फॉर्म्ड बाई द एज लॉन्ग इरोजन एंड वेदरिंग यानी कि जो माउंटेन है उनकी इरोजन और वेदरिंग से जो मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है उसी से बन रहे हैं ऑफ़ प्री एग्जिस्टिंग सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक प्लेटियोज प्लेन्स एंड इवेंट्स ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक माउंटेन कहलाते हैं ये सब उसी से बनते हैं टेक्टोनिक माउंटेन दिस ग्रुप इंक्लूड्स इसके अंतर्गत माउंटेन्स फॉर्मड फ्रॉम द एक्यूमुलेन ऑफ मेटीरियल्स ऑफ वॉल्केनिक हैंड्स इम्ड एस वॉल्केनिक माउंटेन और ये अक्यूमुलेट हुआ है वॉलिक वॉल्केनिक इरप्शन के मेटीरियल से माउंटेन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट ऑन अ लार्ज स्केल्स डू टू फॉल्टिंग और कुछ फॉल्टिंग के जरिए हैं तो दीज एलिवेटेड स्ट्रक्चर कॉमनली कॉल्ड फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन इसको कहते हैं फॉल्ट इस तरह के जब बनते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन कहते हैं द फोल्डेड माउंटेन विच कंटेन एक्सटेंसिव फैक्ट्रैक ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ दैट हैव बीन रिपीटेडली बेंट एंड वार्बड एंड डिसरप्टेड दीज फॉर्म्स द मोस्ट कॉमन माउंटेन्स एट प्रजेंट ब्रीफ नोट ऑन ईच ऑफ दबाइप विल बी वर्थ वाइल्ड एट दिस एज जो फोल्डेड माउंटेन है वो रिपीटेड हुए हैं अपनी फोल्डिंग के जरिए वार्बड हुए हैं रैप्ड जिस कहते हैं रेब्ड हुए हैं रैप्ड, है, रैप्ड हो गए और डिस्ट्रप्टेड हुए हैं कॉमन माउंटेन एट प्रेजेंट बहुत से हैं अ ब्रीफ नोट ऑन ईचा वर्थ वाइल्ड वॉल्केनिक माउंटेन के अकॉर्डिंग वॉलोज थ्रो आउट मैथियस ऑफ ऑल शॉर्ट फ्रॉम्स बिलो द सरफेस द गैसियस इशंस आर लॉस्ड टू द एटमोसफेयर बट द लिक्विड एंड द सॉलिड मैटर जनरली गेट अक्यूमलेटेड जो सॉलिड और लिक्विड मैटर है वॉल्केनो का वो इकट्ठा हो रहा है इन द फॉर्म्स ऑफ लेयर्स और लेयर में इकट्ठा हो रहा है एंड हीप्स अराउंड दरिफिक ऑफ़ इरप्शंस सिंस बॉल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर और ये सब आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि क्विकली हुई हैं इतना धीरे धीरे होता है कि कहते हैं कि तभी कहा जाता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और मोर इन मैनी केसेज द बॉल्कनिक वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम ऑफ एक्ूमलेशंस ग्र्यू टू इनोर मस साइज जस्टिफाई द यूज ऑफ टर्म माउंटेन फॉर डैम्स द इक्वेडोर ग्रुप ऑफ बॉल्नोज हैज़ बिल्ट अप ड्यूरिंग इट्स एक्टिविटीज फिफ्टीन सच माउंटेन्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर में है इक्वेडोर के ग्रुप के बॉलैनोज में हाइट जो है फाइव थाउजेंड मीटर है जो कि बॉलैनिक एक्टिविटी से ही बने हैं इन मैनी केसेज द बॉल्कनिक माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ अल्टरनेट लेर ऑफ लावा एंड फ्रेगमेंटल मेटेरियल बॉलैनिक माउंटेन्स आर ऑफन सिमेट्रिकल्स विद रिस्पेक्ट टू अ सेंट्रल पीक मैनी एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केकैनिक माउंटेन आर फाउंड इन जापान इसके इस ज़्यादातर चूंकि आप लोग जानते भी हैं कि जापान में इस तरह की बहुत एक्टिविटी वॉल्केकैनिक होती हैं तो जापान यूएसए फिलीपींस हैं सो माउंट विसुवियस है माउंट so अग है माउंट एटना है माउंट फ्यूजी है आर अ फ्यू एग्ज़ाम्पल जो कि वॉल्केकैनिक एक्टिविटी से ही बने हैं उनकी एक्टिविटी से बने हैं यूएसए में जापान में फिलीपींस में पाए जाने वाले माउंटेन ज्यादा और फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन फॉल्ट ऑलवेज रिजल्ट इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है ब्लॉक काफी बड़ा भाग डिस्प्लेस होकर बना है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ अलोंग अ प्लेन अलोंग अ प्लेन्स

So with respect to the side block, side block ki respect mein, that have re, remained this stationary. In either case, the result is the same centrally outstanding block called host. Many hosts are high enough, high enough to be called as mountain. Sometimes a central block subsides along two parallel fault planes causing a tectonic valley or grabens the side block in such a case may be of mountainous height host and grabens are often the so uh, com complementary structures this type of mountains are typical in occurrence in the basin and range prov uh, province of usa thank you